और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 1052 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 341, दुर्ग में 228, राजनांदगांव में 57, दंतेवाड़ा में 38 और सुकमा में 37, रायगढ़ में 36, सरगुजा में 34, सुजानपुर चांपा और कोरिया में 30 मरीज कोरोना के पाए गए हैं और नारायणपुर और कांकेर की बात करें तो 20-20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ इसका कारण माना जाए, क्योंकि कोरोना की जो जांच है उसमें काफी हद तक वृद्धि की गई है, तो अब एक दिन में कितने लोगों की जांच की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बीते दिनों एक नया रिकॉर्ड निकल करके सामने आया है, 1000 के प्लस यहाँ पर मरीज पाए गए हैं। और अगर बात करें बढ़ते मरीजों की संख्या की किस कारणों से हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा करता है कि हम लगातार राज्य में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 10,000 टेस्टिंग की जा रही है, तो एक तरीके से अगर स्वास्थ्य विभाग की सुने तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से टेस्टिंग की क्षमता बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसे दूसरी तरफ से देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है, जिस तरीके से जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने के, लेकिन लोगों में जो जिम्मेदारी है, जो सावधानी रखनी चाहिए, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है और जिस तरीके से ये वैश्विक महामारी है और हर राज्यों में ये हर राज्य इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वे सावधान रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखती हुई नजर आ रही है। आए दिन देखा जाता है कि बाजारों पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आती है, यहाँ चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आती है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन सकता है बढ़ती मरीजों की संख्या का। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो ये कोरोना हॉटस्पॉट जिला उभर करके सामने आया है। बीते दिन की बात करें तो लगभग 400 की संख्या में मरीज सामने आए, वहीं दुर्ग में 200 के अधिक मरीज सामने आए। तो जिस तरीके से स्थिति इस वक्त कोरोना की बन रही है राज्य में और राज्य के सभी जिलों पर, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के स्वास्थ्य विभाग के लिए, राज्य सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए एक चेतावनी है और एक कहीं ना कहीं चुनौती का भी विषय है बढ़ती संख्या संक्रमितों की। शिवम, शुरुआत में हमने देखा था कि कई जिले ऐसे थे जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी रिपोर्ट जल्दी नहीं आ रही थी, रिपोर्ट डिले हो रही थी या जांच होने में दिक्कत हो रही थी, तो अब सभी जिलों में किस हद तक जो जांच है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, शुरुआती दौर पर देखा जा रहा था कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार नजर नहीं आ रहा था। वो स्वास्थ्य विभाग हो गया, जितने अस्पताल हो गए, एम्स अस्पताल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआती दौर था जिस तरीके से तैयारियां की जा रही थी। कोरोना संक्रमण, नया नया वायरस देखा जा रहा था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लेट लतीफ जरूर थी। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती संख्या यहाँ पर मरीजों की मिलती गई प्रदेशों में, प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, जिलों के साथ हर एक संभागों में, तो उस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तैयारियां भी शुरू कर दी गई। लगातार मेडिकल स्टाफ बढ़ाए गए यहाँ पर और जो जांच है उसे बढ़ाई गई। जांच के साथ ही जो टेस्टिंग सैंपल लिए जाते थे उसकी रिपोर्ट आई थी उसे भी बढ़ाया गया। तो जिस तरीके से तेजी आई बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं इसीलिए स्वास्थ्य विभाग भी एक तरीके से जागरूक होता नजर आया और उसी लिए पूरी तैयारी के साथ इस वक्त मैदान पर बना हुआ है संक्रमण से लड़ने के लिए। बिल्कुल शिवम, और शुरुआती दौर में हमने देखा था कि काफी हद तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसमें कमी देखी जा रही थी, पर जो धीरे धीरे आंकड़ा है वो अब बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज्यादा जो सरकार का फोकस है वो जनता को जागरूक करने को लेकर है। कई महीने बीत चुके हैं, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी बार बार कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। बावजूद इसके सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, जितने भी राज्य है ज्यादातर यही देखा गया है कि जो राज्य की जनता है उसमें अवेयरनेस नहीं देखी जा रही है, उसका क्या कुछ कारण? अब बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं बीते महीनों की, तो जिस तरीके से 19 मार्च को पहला संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में आए थे रायपुर जिले में, जो विदेश से एक युवती लौटी हुई थी, उस वक्त जिस तरीके से खौफ देखा जा रहा था लोगों में, जिस तरीके से सावधानी देखी जा रही थी कोरोना संक्रमण को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है लेकिन लोगों की जागरूकता कम होती हुई नजर आ रही है। आए दिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, वो लोगों को संदेश देने आते हैं, यहाँ पर संबोधन
करने आते हैं, लोगों को जागरूक करते, आए दिन राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाती है, जिला प्रशासन बैठक लेता है, सभी व्यापारी वर्गों की बैठक ली जाती है, उन्हें जागरूक किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो लोगों को जागरूक करें। आए दिन जिला प्रशासन एक टीम बनाती है, स्वास्थ्य विभाग टीम बनाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से लोगों में जागरूकता की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, इसे ही एक बढ़ती संख्या का कारण माना जा सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व में भी जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों की बैठक की गई थी, उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन होता नहीं नजर आ रहा है। आए दिन भीड़ देखी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग में कमी देखी जाती है, लोग सिर्फ जो गाइडलाइन है उसे लोग एक तरीके से खानापूर्ति समझ चुके हैं, एक तरीके से वो सिर्फ मास्क में एक खानापूर्ति समझते हैं कि मास्क को लगा लिया जाए, दूर रहा जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं, लोगों को पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आए दिन देखा जाता है कि लोग बड़ी संख्या में ठेले खोमचियों में खड़े रहते हैं, वहां पर एक दूसरे चीजें खाते हैं, सामान खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ती संख्या का कारण तो इसे भी माना जा सकता है। चलिए शिवम, तो आम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।